नमस्कार राम राम फिर स्वागत है अपने चैनल मीडिया फोर वाई फोर के बेहद शानदार कार्यक्रम में दोस्तों जी के कार्यक्रम को नाम है चुनावी मरोड़ वही कार्यक्रम विधानसभा 2023 में बड़ो प्रसिद्ध हो मीडिया फोर वाई फोर ने थारो प्यार है जी को काफ़ी अच्छो मिल रो है अभी मौजूद हूँ शहीद कुंभकर्ण सिंह राठौड़ की पावन धरती जन्मस्थली पर जिसका वो नाम है तोगावास तोगावास की आज रिपोर्ट तैयार कर से चुनाव को माहौल के तरीका वो बन रहा है कई मुद्दा पर अठहगी राजनीति है जी की उठ गया होगी दोस्तों शहीद कुंभकर्ण राठौड़ साहब है जी का पीछे शहीद होया और लोगों को प्यार है अठे मूर्ति स्थापना भी हुई और देश के देखो सर्वोच्च बलिदान है देश के लिए भारत देश के लिए तो अठे की धरती हूँ आप शुरुआत कर लग रहे आज की रिपोर्टिंग की दोस्तों आज को वीडियो पूरी जरूर देखियो और पूरा देखिए थारा दिमाग के अंदर किस तरीके की राय निकल गया है मैं कमेंट में जरूर दिया और मीडिया फोर बाई फोर ने यदि हमारी रिपोर्टिंग थाने अच्छी लागे तो थारो प्रेम सब्सक्राइब के रूप में जरूर दिखाया धन्यवाद तो दोस्तों तोगावास गाँव के बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ और अठे है जी का युवा साथी अपने सगे मौजूद है आऊँ जान के मौके का लोकसभा चुनाव चुनावगा रुझान के तरीके का बढ़न लाग रहा है और के मुद्दा की राजनीति अब प्रेजेंट में चलने लाग रही है नमस्कार भाई साहब

बहुत बहुत धन्यवाद और भी है साथी मौजूद नमस्कार नमस्कार अच्छा। है लेके मैं वोट डालूंगा, डालूंगा। शिक्षा और गाँव में पुराना जो बीजेपी को साथ बीजेपी नहीं वोट दिया अच्छा वो गाँव बीजेपी बीजेपी के पीछे रहने को कारण मतलब कोई जातिगत समीकरण बने या फिर कोई और कारण शुरू हो या देखो दादा पड़दादा बीजेपी नहीं देता

मोदी ने पड़ेगा या देवेंद्र दोनों मुमकिन दोन मोदी जीता बीजेपी नहीं नहीं मतलब एक तो लहर चल रहा है क्या मोदी लहर है अच्छा विधानसभा का चुनाव अभी पीछा होया तारा नगर की राजनीति अचानक चेंज होगी अब लोकसभा का चुनाव है और रुझान वर्तमान में थारा ही साहब क्या ज्यादा भाई मेरे गांव की बताऊं कि तहसील स्तर की ओरिजिनल बताऊँ गांव की यदि बीजेपी गांव तो उटके मैं मैं बताऊं बताऊं थाने मारे गांव की पोजीशन बताऊं मारे एमपी के चुनाव में राहुल जी हाँ पे पहले मारे गांव की अगर एक्चुअल पोजीशन देखी जा दस साल को राहुल जी को कार्यकाल हो मुद्दा भी चाल सी गाँव में भी चाल रिया है लोग कह रहे कि जाट समाज एक नियोगी हो तो जाट की टिकट कटकी जाट नहीं मिली है ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਣਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਮੂ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਬੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬੋਂ ਕੀਆ ਦੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜਾਟ ਕੀ ਕਟਕੇ ਜਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਤ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਈ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਏ ਤੋ ਤੋਗਾ ਇਸ ਗਾਉ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਕਸਵਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਏ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਏ तीन बार, अच्छे, अच्छे। दो बार तो अच्छा, अच्छा। और एक बार कोई उद्घाटन हो मारे जना है अच्छे, अच्छे, तो गांव को नागरिक आम बंधु आप पूछे गो के साहब दस साल समय था ने दियो मेन रोड गो हाईवे गो बडो गांव है थे थारे जीवन में तीन बार बारियो में दो बार वोट मांगने को टाइम है सिर्फ एक बार थे अठाया हो और फिर अगर विकास गिर मुद्दा की बात हो सी तो मेरे हिसाब में पैंतीस साल चालीस साल राजनीति रही है मेरे गाँव की में था बताई की तीन बार जब में दो बार राम सिंह जी भी को मैं बता दी था अगर मुद्दा की बात आवे तो तीन बार यो शहीद प्रतिमा को अनावरण हो तो अतिथि तौर पर बन बुलाया भी गया हा। तो अठे भी आने के लिए अपना आपने उपयुक्त को समझा कि भाई गांव में जावा बात करा और बात रही देवेंद्र जी झाजड़ियागी तो देवेंद्र जी को की है कि जीरो उठ गए किसान परिवार उठ गए और आप आपको स्टेटस खुद तैयार करी है मोदी के का नजदीकी ही नज़दीकी मोदी के बढ़ाई है तो वो खुद को स्टेटस है जीरो उठ गए ऊपर तक गए है तो एक मौको देवेंद्र जी भाई मेरी पर्सनल राय है देनो चाहिए देखो क्या मतलब देवेंद्र जी जीरों थे बात कर रहे हो वार्ड पंच को चुनाव भी ब परिवार में कोई लड़ेड़ो को नहीं पहली बार में राजनीति में आए हैं मुद्दा तो देखो बने भी कोई सोच गए कोई मुद्दा पूरी वोट पड़ेगा थारी नजर में शक के मुद्दा है कि बे चीज देवेंद्र झाझड़िया साहब ने वोट देगा तो आज चीज पूछंगा भी और पूरा भी करवाऊंगा मेरे गांव स्तर पर भी पूछो तो मेरे तोगास गांव में सबसे ज्यादा इनकम सोर्स युवाओं को अगर है तो वो रुझान फौज को है हमारे हर गाँव घर के अंदर दो तीन चार फौजी हर घर के अंदर है अच्छे, अच्छे। खेल जगत जुड़ाव है लोग गांव तो देवेंद्र जी ने मौको देने को यो भी युवाओं को एक मकसद है कि युवाओं ने मार्गदर्शन भी कर सके युवा बाशु सीख भी सके तो युवा वर्ग है जो उत्साहित है और जातिगत समीकरण तो देखो एक जाति हूँ कोई चुनाव कौन को लड़ी जाए एक जाती हूँ कोई वो कौन को नहीं हुआ हाँ जका आदमी आपकी पीठ पीछे इंडिया नाम मंडियए है -चे 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 -चे. और इतो उत्साह दियो है अपने देश को मान सम्मान बनाए है तो एक चूरू जिला को नाम लड़को कौन करे कद्दी कौन करे सही है सही देखो एक बात आब ही निकल गया ये राहुल कसवा साहब की टिकट कटाने के पीछे राजेंद्र राठौड़ साहब को आते हैं इन तो सहमत हो देखो सहमत नए सहमति की थाने एक मुद्दे की बात बताऊं राजेंद्र सिंह जी रा एक बताऊं थाने कांग्रेस में गया है पहले तो यह देखो थे राहुल जी कांग्रेस में गया है टिकट काटने की तो राजेंद्र राठौड़ कौन कटाना आ रहा टिकट राजेंद्र राठौड़ एक संवैधानिक नेता है हर जाति कोम ने सागे लेके चालने वाला नेता है अगर टिकट थी तो राजपूत समाज का जय सिंह जी चुनाव लड़ियो हो जो बी टेम राम सिंह जी कसवा आपको पहले चुनाव ल, दूसरो चुनाव लड़ियो हो तो बी टेम राम सिंह जी की पक्ष करके आपका ही जाती भाई हा जय सिंह जी नहीं। नहीं। बन बनया हा राम सिंह जी ने टिकट दिराई ही तो, चूरू वाला जय सिंह जी चुनाव लड़ियो तो राजेंद्र राठौड़ तो वो नेता है जो लाल ने जीरो एक ਸੁਣਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਤ ਕੋਨ ਕਾ ਅਰ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਛੂਟ ਕੇ ਬਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਵਪਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚੋਰੂ ਗੇਂਦਰੇ ਖਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਛੂ ਜੁੜ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਕੇ ਜੀ ਜਾਂਗੜ ਨੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਕਰਾਈ ਤੋ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਠੋੜ ਤੋ

दस साल राहुल जी कसवा एम पी रह गया दस साल बाद आज मैं कांग्रेस में गए तो दस साल के टाइम पीरियड में नीचे ले ऊपर तक सरकारी ठेठ जद भाई की कौन कर सकिया आज वे मेरे यह समझ में कोनेरी के मैं कांग्रेस में के हाँ मुद्दा लेगी धरातल पर आ सी कैसी कैसा बीजेपी में इतना साल रह गए काम को नहीं एक्चुअल मुद्दा धरातल पर लोग पूछेगा ए युवा वर्ग पूछेगा साहब हमारे गांव में मैं धंधों पर मौको दिए मारे लिए के करियो हमारे गाँव में स्कूल है हाई स्कूल की स्थिति देखो आप जाता जाओ कैमरों बना जियो स्कूल की स्थिति देखो आप अब विधायक जी ने वोट दिया लोग खूब वोट दिया तो वोट का धड़ा दो हुए आज बंग स्थिति पूछो के बे तो गाय इसमें खेल गए हो कांग्रेस की नीति गलत है जी और बे गलत नीति आगे सके ग्राउंड में उतरेगा राहुल जी तो हर युवा हर आदमी सवाल पूछेगो के साहब आपने क्या किया जरूरी कोनी नहीं हो तो गाश है सुजानगढ़ विद्यासर बेल्ट में पर ने लोग पूछेगा जट्ठे तो आठ विधानसभा है हाँ जट्ठे तो बहुत सा गांव था मैं तो मैं खुश नसीब हाँ साहब मैं खुश नसीब हाँ मैं दस साल में तीन बार आए है दो बार वोट ने एक बार सुजानगढ़ साइड जाऊंगा तो बठे थाने खुश नसीब गांव मिलेगा के साहब तो वोट मांगन भी कोई नहीं आया ठीक से बात धन्यवाद तो दोस्तों गाँव गांव बाग युवा साथी बुजुर्ग अपन और मिलसी पूरी रिपोर्ट अपन तैयार कर ला रहे हैं। देखो इले साइड में भी लोग बाग खड़ा है पूरी जानकारी लेनी जरूरी है नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार थाने भी साफ देखना देखो अभी तो प्रक्रिया चल रही है राजेश नाम है जी मेरा अच्छा यहाँ बताओ विधानसभा चुनाव हो गया लोकसभा का चुनाव हो रहे है तारा नगर है जी को पूरा देश में एक नमी ग्रामीण नाम हो गया अब लोकसभा का चुनाव में थाने न रुझान ज्यादा लगे अभी तो क्यों बताऊ तो पहले दे, तो सिस्टम देखो दो नाम तो निकल गई आगे कांग्रेस का नहीं है हाँ अच्छा मतलब राहुल कसवा साहब पहले बीजेपी में अब कांग्रेस में आ गया रुझान बढ़िया बैठेगा

अभी कम्प्लीट हो है, फेरी चालन लाग रही है तो लोग बाग गाँव के अंदर कम मिले सोचो ध्यान भागवती दिखाने की कोशिश करूँ कि अठे लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है कि तो भाव है एक जगह इकट्ठा अठे मिले भागवत कथा है जी कि ग्यारह मार्च हूँ सत्रह मार्च तक ही और आज है जी को लास्ट अंतिम दिन है तो देख सको थे कितनी श्रद्धा है श्रद्धालु है भगत गण है जी काठे मौजूद है तो दोस्तों अभी देखो के ऊटे के ऊपर एक किसान भाई है जी का मिले है।, है अंग अंदर के तरीके का मुद्दा के तरीके की राजनीति है नमस्कार भाई साहब नमस्कार क्या नाम है साहब थारो पप्पू राम पप्पुर हेतु हाँ। आये हो गए अच्छा चिना चना पाड़ता होगा हाँ। बताओ के मतलब किसानी क्षेत्र हाँ। में ही रहो हाँ। लेकिन एक राजनीति भी राजनीतिक मुद्दा की बात भी हुए, भी हुए। हाँ। बंपरी देखो देश चलन लाग रही है हाँ। आई चीज थारू पूछनी हाँ। के मतलब आज के वक्त में देश को प्रधानमंत्री थारी नजर में कौन होना चाहिए मोदी मोदी, हाँ। मोदी होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र चूरू में और सांसद कौन होना चाहिए

आम सी बात है मीडिया रूबरू होना भी चाहे बहुत सा गांव है जिसका लोग बोल के भी चीज़ बतानी चाहे और इससे लोग भी मिल जाएगा जिसका मीडिया के सामने भी को आना चाहे लेकिन मीडिया में आपकी बात रखण को अधिकार सबने है लोकतंत्र को एक नियम भी है लोकतंत्र को चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया काम करे तो मीडिया रूबरू होकर थारी बात रख्या करो ताकि लोगों ने भी बेरो पड़े है कि तो गावास भी कोई गाँव है या जिसके गाँव में मैं रिपोर्टिंग करा तो मैं गाँव का लोग है जिसका बुल्ले करो ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਮਤਲਬ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਗਾਉਂ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਚਲੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਨੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪਰ ਇਥੇ ਵੋਟ ਡਾਲੋ ਮੈਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪਰ ਵੋਟ ਡਾਲਾਂ ਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ

देखो बिंगो तो की कौन कैश है नहीं, नहीं। बाकी बने पार्टी छोड़ के बहुत गलत करे है बीजेपी के साथ बने रहना चाहिए पैंतीस साल विश्वास करे। आ, साल विश्वास करियो अचानक छोड़ने की वजह दिक्कत आएगी हाँ दिक्कत आवेगी बने

बैकग्राउंड साल बै, राजनीति कर रहे है, पार्टी छोड़ के बहुत तो दोस्तों आ ही आस गाँव की राजनीति आज को वीडियो थाने किसों को लगे कमेंट में राय जरूर दिया अब आगे गाँव की तरफ बढ़ांगा धुआंधार फोर बाई फोर अपनी जिकी रिपोर्टिंग हवा चल लाग रही है और नया हो तो अपने चैनल उन जरूर जुड़ जाए ताकि नई अपडेट नई जानकारी नई घटना और नई न्यूज है जिकी थाने मिलती रहे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद